ये स्पेशल कढ़ाई बन रहा है इनका, देखो कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बहुत दिल कर रहा है अभी खा के, खुशबू भी अच्छा आ रहा है। ये इनका स्पेशल नमकीन गोश्त है जैसे पेशावर में मिलता है। टेंथ ये दोनों कढ़ाइयाँ आ गई, अभी देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। ये नमकीन गोश्त है इनका, ये नमकीन गोश्त है, ये चिकन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, दोनों ही स्पेशल है, दोनों ही अच्छी हैं। ठीक है ना, अभी ये खाता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छे होटल में लेकर आया हूँ। ये इस रोड का सबसे फेमस होटल है। तो फ्रेंड्स, होटल के अंदर मैं एंटर हो गया हूँ, अभी देखते हैं इनके पास क्या चीज़ बना हुआ है और आपको दिखाते हैं। तो इन इस होटल का बहुत ज़्यादा नाम है, यानी इस जगह में ना। अस्सलाम वालेकुम, आपके पास क्या स्पेशल चीज बनी हुई है? स्पेशल चीज नमकीन बनाएगा, और भी कुछ कढ़ाई है। अच्छा, और गोश्त कढ़ाई है, चावल गोश्त है, पुलाव बनाएगा। पुलाव, हाँ। ठीक, और ये कितना टाइम होटल खुला होता है? यानी ये तो 3 महीने हो गया। अच्छा, इसकी टाइमिंग क्या है, कितने बजे खुला होता है? यानी सुबह 6 बजे खुला है और रात में 1 बजे। अच्छा, तो ये जो सामने खाने ये आपके पास है, थोड़ा बता दो। तो अब्दुलरहमान भाई, यानी अगर किसी ने चिकन खाना है उसका क्या रेट है? चिकन कढ़ाई का 15,000 है। 15,000 रोटी के साथ? रोटी फ्री है। ठीक, और मटन कितने का है? रोटी के साथ, रोटी के साथ 20,000। हाँ, 20,000 उसके साथ रहता है। चटनी छटनी मिलेगा? चटनी मटनी सलाद टोटल चीज़। वाह यार, क्या बात है। और फ्रेंड्स, गरीब आदमी आ रहा है, पैसा नहीं है, मुश्किल नहीं है, खाना माशाल्लाह स्वाद होता है। तो फ्रेंड्स, किसी ने भी आना हो, इतने महंगा होटल नहीं है, सस्ता खाने हैं। सस्ता खाने हैं, गरीबी है, गरीबी का। हाँ, और खाने भी मैारी हैं, अच्छे खाने बनाते हैं। ठीक है ना भाई, ये कौन सी जगह है? ये आतिफ है। आतिफ, अगर किसी ने आना है तो अतीफ में रियाज साहब, रियाज रोड, तय रोड। ठीक, तो अभी क्या बनाया हुआ है जो स्पेशल चीज़, आज क्या बनाया स्पेशल? तो नमकीन बनाएगा, मुर्गी कढ़ाई है। मुर्गी कढ़ाई, हाँ, और नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त, ठीक, हमें चावल। तो भाई अंदर क्या बना रहे हैं? करेले। अंदर करेले। तो भाई अभी आपको बता दिखाते हैं अंदर, भाई स्पेशल करेले बना रहे हैं माशाल्लाह। सफाई देखो, A1 बिल्कुल, हर चीज मियाँ फिर मियाँ। तो अभी आपको दिखाते हैं अंदर, इनका जो कुक है वो करेले बना रहे हैं, आपको किचन का विजिट कराते हैं, इनके किचन के अंदर क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या नाम है आपका भाई? जैद खान। जैद खान, तो सर क्या बना रहे हो आप स्पेशल अभी? अभी ये करेला बन रहा है। अच्छा, थोड़ा दिखाओ लोगों को, लोग देखें। ये देखो सर, ये फ्राई हो रहे हैं, ये करेले को फ्राई कर रहे हो? ये बिल्कुल सर, पहले फ्राई कर रहे हैं माशाल्लाह। तब इसके अंदर बाकी मसाले वगैरह डालेंगे, ये फ्राई हो गए, ये फ्राई हो गए माशाल्लाह। तो फ्रेंड देख सकते हैं कितना फ्रेश घी, ऑयल बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा फ्रेश ऑयल है। और करेले माशाल्लाह, वो इनकी फेवरेट डिश है करेले। और क्या आप बनाते हो? सब्जी वगैरह बनाते हैं, गोश्त बनाते हैं। अच्छा, चिकन बनाते हैं, कढ़ाई बनाते हैं। चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, नमकीन कढ़ाई हो गई। कितनी देर हो गया काम करते हैं यहाँ पे? तकरीबन साल हो गए। नमकीन कढ़ाई कैसी है और इनका चिकन कैसा है? तो अभी टेस्ट करते हैं सुबह पराठा बनाते फिर। तो ये क्या है रहमान भाई? ये तो पराठे का पराठा, सुबह नाश्ते में पराठा, 10-11 बजे में पराठा मिलता है। अच्छा अच्छा, सुबह 6 बजे? 6 बजे से 11 बजे, 11 बजे तक पराठा मिलेगा। आलू वाला या सादा? सादा पराठा, सादा पराठा। तो फ्रेंड्स, किसी ने नाश्ता करना हो, पाकिस्तान वाला टेस्ट लेना हो, चना है, चना बड़ा चना है, लोबिया है, अच्छा, शशु का है, आमलेट है, पाया है, पाया
तो फ्रेंड किसी ने भी इधर सुबह, जैसे हम लाहौर इस्लामाबाद में या पेशावर में सुबह नाश्ता नहीं करते, पाकिस्तान वैसे हैवी नाश्ता, तो किसी ने भी वो नाश्ता करना हो माशाल्लाह सेम इधर आपको वो चीज़ मिलेगी। तो हम जब कभी सुबह आएंगे आपको नाश्ता करके दिखाएंगे इनका नाश्ता कैसा है, बट अभी देखते हैं इनकी कढ़ाई और नमकीन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई। तो खान भाई अभी लगा दो अच्छी वाली और दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचू? ठीक। तो सर आप क्या काम करते हैं? जी बस मैं अभी वॉशिंग। अच्छा अच्छा ठीक। कितना देर हो गया इधर काम करते? तकरीबन 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीना माशाल्लाह। क्या नाम है? अरशद अली। ठीक माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? अमजद। ठीक। कितना देर हो गया इधर आए? 15 महीने हो गए। अच्छा चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है सऊदी अरब में काम करके? मजा आ रहा है, वेरी गुड। आप तो सर अभी आप कढ़ाई बनाओ, देखते हैं आपकी कढ़ाई कैसी है। तो नाले और तो ये फ्रेंड ये स्पेशल पाकिस्तानी रोटी बनाते हैं, अगर ये आप देख सकते हैं रोटी के जो पेड़े होते हैं वो पड़े हुए हैं आटे के, ठीक है ना, आटे के पेड़े इन्होंने बना कर रखे हुए हैं। ये भाई रोटी लगाते हैं। तो अभी ये भाई न... अच्छा तो ये क्या बना रहे हो आप साथ? थोड़ा नमकीन है। ये नमकीन है माशाल्लाह। तो ये चिकन कढ़ाई है? ये चिकन। तो फ्रेंड ये इनकी फेवरेट डिश है, यानी आपने बट कढ़ाई शनवारी बहुत सारी कढ़ाइयाँ खाई होंगी, बट जो इनका टेस्ट है बहुत ही अच्छा। और अभी आपको मैं भी चेक करके दिखाता हूँ। ये रियाज रोड के ऊपर बहुत फेमस होटल है इनका ना, बहुत अच्छा होटल है। आप जब अतीफ में आओ मक्का उमरा करके जब रियाज रोड, इसका नाम बताऊँ पाकिस्तानी है, मैं आपको बाहर जाकर दिखा देता हूँ, तो आप बाहर से भी देख लेना। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही म्यारी खाने बनाते हैं और फ्रेश, और गोश्त भी फ्रेश होता है आपके पास? तीन गोश्त है? तीन गोश्त है। क्या बात है। ये टमाटर है इसके अंदर? इसकी यानी इसके अंदर और मसाले? बस काली मिर्च डालते हैं? काली मिर्च और नमक। ओ ये मुर्गी है? ये मुर्गी है। तो ये दूध वाला चाय? ओ पाकिस्तानी चाय। तो ये दूध वाला चाय है, ये स्पेशल कढ़ाई बांध रहा है इनका। देखो कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बहुत दिल कर रहा है अभी खा जाए, खुशबू भी अच्छा आ रहा है। ये इनका स्पेशल नमकीन गोश्त है जैसे पेशावर में मिलता है। किसी ने बिरयानी खाना है तो वो भी नंबर वन चिकन बिरयानी। ओ वेरी गुड। तो ये कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? 10 मिनट बाद तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी इनका कढ़ाई नमकीन कढ़ाई और ये चिकन कढ़ाई टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो माशाल्लाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है यार, वो बताम अरबी में कहते हैं होटल को। तो होटल पाकिस्तानी में आओ अतीफ के अंदर, माशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। अभी मैं भी खाने खाता हूँ इनके और आपको दिखाते हैं इनके खाने कैसे हैं। अगर किसी ने खाना है तो आपको इधर आना पड़ेगा, नहीं तो आप देखो। ये रोटी भाई लगा रहे हैं, कितनी अच्छी रोटी, पाकिस्तानी रोटी। ये पेड़े पड़े हुए हैं आटे के, ये पेड़े हैं। ये भाई रोटी लगा रहे हैं, अच्छी वाली रोटी लगाओ। तो ये इनका मैं थोड़ा सा किचन का आपको विजिट करा देता हूँ, आप देखो ये इनका किचन है माशाल्लाह। देखो कितनी सफाई और साफ सुथरा, कोई गंद भी नज़र आ रहा, बिल्कुल ए बन अच्छा किचन। हैंड धोने का बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ इन्होंने। तो भाई आओ आप। तो हाथ धो लिया मैंने अभी, इनका खाना खाते हैं फिर आपको दिखाते हैं इनका इनका कैसा है नमकीन गोश्त। तो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स
ये दोनों कढ़ाइयाँ आ गई, अभी देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। ये नमकीन गोश्त है इनका, ये नमकीन गोश्त है, ये चिकन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, दोनों ही स्पेशल है, दोनों ही अच्छी हैं। ठीक है ना, अभी ये खाता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ इनका टेस्ट कैसा है, कितनी अच्छी हैं, फिर इनका आपस में शन करते हैं कितनी अच्छी है। और ये देखो साथ प्याज टमाटर खीरा कितना अच्छा है यार, सलाद बनाया हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये नमकीन गोश्त है भाई। हाँ नमकीन गोश्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अभी पहले फर्स्ट बाइट लेते हैं नमकीन गोश्त की, आपको बताते हैं। तो इसकी जो स्पेशल चीज़ है, इसके अंदर कोई मिर्च मसाला नहीं है, नहीं है मसाला। बिल्कुल सादा है, बिल्कुल सादा है। इसके अंदर आपको बस ओनली काली मिर्च पड़ी हुई है और या ये ग्रीन चिली है, सब्ज मिर्च, और आप देख सकते हैं टमाटर भी ऐसे है। ठीक है ना, तो बिस्मिल्लाह, ये देखो कितना अच्छा गोश्त, थोड़ा नमक कम है। ओ माशाल्लाह, क्या टेस्ट है यार, बिल्कुल लाइट मिर्चे, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, हाय हाय हाय। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी ने आना है इधर, तो मैं आपको इसकी लोकेशन भी बता देता हूँ, अगर फिर भी किसी को पता ना चले तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपको इसकी लोकेशन दूंगा, आप इधर आओ, माशाल्लाह मज़ा आएगा। और बाहर गाड़ी खड़ा करने के लिए भी जगह है, किसी ने बस खड़ा करना है, ट्राला खड़ा करना है, ऑल ओवर बहुत गाड़ी इधर खड़ा हो सकता है, और तो काफ़ी बड़ा होटल है, इसमें 50-100 आदमी बैठ सकता है। ठीक है ना, अच्छा होटल बड़ा। तो अभी ये चेक करते हैं, बहुत अच्छा बनाया हुआ है यार, ये पेशावर की स्पेशल डिश है, स्पेशल नमकीन। हाँ ना, ये सऊदी लोग ज्यादा खाएगा, लहम हामिस बोलेगा, लहम हामिस। बहुत अच्छा यार, मजा आ रहा है, कमाल का चीज बनाया हुआ है। तो अभी इनका टेस्ट करते हैं, ये चिकन चिकन कैसा बनाया हुआ है। नमकीन गोश्त की तो एंड है ना यार, ना इसके अंदर मिर्च है, बिल्कुल स्लो और इतना चूजी और इतना टेंडर, माशाल्लाह यार क्या बात है। और इसके अंदर जो टमाटर इन्होंने बड़े बड़े, ये जो टमाटर है ना, इसको थोड़ा सा मैश करो, इसके साथ खाओ, थोड़ा सा खट्टे वाला फील आता है साथ, और क्या ही बात है। अभी इसकी चिकन कढ़ाई देखते हैं ये कैसा बना हुआ है, फिर आपको दिखाते हैं। आपका भाई अभी चिकन की बाइट ले रहा है, ये देखते हैं, ये थोड़ी सी हैवी बाइट है, बट देखना आप। बिस्मिल्लाह, कमाल है माशाल्लाह, कोई लेवल नहीं। आपने बट कढ़ाई खाई होगी, शनवारी भी खाई है आपने पाकिस्तान में, बट अगर आपने सऊदी अरब में पाकिस्तान वाला टेस्ट लेना है तो इससे अच्छा होटल आपको रोड के ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, माशाल्लाह यार, हर चीज़ का अपना लेवल है, इतनी जूसी, इतनी अच्छी बोटियाँ बनाई हुई हैं, फ्रेश गोश्त है, फ्लेवर आता है। अभी ये बाइट टमाटर के साथ खाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा है। तो टमाटर ये नहीं कि कच्चे हैं, पके हुए टमाटर हैं। ठीक है ना, और बिस्मिल्लाह, साथ थोड़ा सा चिकन तो ये टमाटर गोश्त और ये सब्ज मिर्च और ये चटनी के साथ इसको लगा के, अभी ये बाइट तो काफ़ी बड़ी है, बट देखते हैं खा के कितना मज़ा आता है। बिस्मिल्लाह, वल्लाह नहीं है, फिर नहीं है यार। तो फ्रेंड, ये होटल के ओनर है, अभी इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपके साथ। मूसा खान। ये किस जगह में होटल, आप थोड़ा बताओ ताकि लोग इधर आए। ये टायर से निकले का मतलब याद रोड पे है, ये लकीर में है। चलो चलो, कौन सी जगह। टायर से निकले का 60-70 किलोमीटर बाद लकीर में। 60 किलोमीटर हाँ, 70 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर आगे है।
तहफ से अल लतीफ। तो फ्रेंड ये इस जगह की लोकेशन है, अगर किसी को पता ना चले तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको इस होटल की लोकेशन दूंगा। माशाल्लाह बहुत मज़ा और फ्रेश खाने हैं इधर के। तो थैंक यू सर, मेहरबानी।